रायपुर के केनरा बैंक में लाखों रुपए की उठाई गिरी, मचा हड़कंप। आज 14 दिसंबर 2021 को मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के मरीन ड्राइव के सामने स्थित केनरा बैंक में लाखों रुपए की उठाई गिरी की वारदात हुई है। अज्ञात आरोपी ने बैंक के अंदर से पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बैग नहीं मिलने पर कारोबारी ने इसकी सूचना बैंक और तेलीबांधा पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार कारोबारी जरूरी काम से बैंक आया था। बैंक के काम के दौरान अज्ञात आरोपी ने बैग पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित कारोबारी ने बताया कि चंद मिनट में ही आरोपी ने पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया। कारोबारी ने बताया कि बैग में 4 लाख से ज्यादा रकम था। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की, जिसमें आरोपी की हरकत कैमरे में नजर आई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ही अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस पूरे शहर में नाकाबंदी कर जाँच कर रही है। वो जब होने पे आया तब ये रह गया, और उस आदमी ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए बरी न बैठा न कुछ किया, वो खड़ा हुआ ना, वो खड़ा हुआ देखना, कोई एक्टिविटी नहीं उसकी। इसका बैग का चेन नहीं खुला है सबसे पहली बात। हाँ, वो ब्लैक कलर का ही बैग लेके आया, सोचो सेम बैग लेके आया, इसने देखा कहना सेम बैग लेके आया, देखो ये मेरे को बिल्कुल समझे ऐसे कैसे उस आदमी को पता है कि और वो बैग भी टांगा नहीं उसने, देखो मैं यहीं खड़ाऊंगा, दोनों बैग टांगा नहीं है, टांगा नहीं, वो भी लटकाया, वो ऐसे बर्बाद किया था। अच्छा उसके हाथ में भी उस टाइप के बैग था दिया ना, और देखो उसको मालूम भी है कंफर्म ना, और सट से लेके निकला वो, हाउ इज इट पॉसिबल है। वो अपना भी बैग साथ में लेके गया क्या? सेम बैग लाया है, समझ गया, ये बनकर इधर आदमी यहां रखा है, अनजान की जगह होता है अनजान।